पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. सबसे पहला जो येस बैंक के जो अभी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने 2 से 3 बहुत अहम पहलू बताए, उसको पहले हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को. सबसे पहली बात जो प्रशांत कुमार जी ने बोली वो ये बोली है कि कल 6 बजे के बाद, 6 बजे शाम के बाद येस बैंक का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा. इसके खत्म होने से जो 50,000 रुपए की विड्रॉल की लिमिट जो आरबीआई ने लगाई थी वो हट जाएगी. इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो येस बैंक के साथ रूटीन बैंकिंग है वो कर सकते हैं. जितने भी फंड्स आपको डिपॉजिट करने हो या जितने भी फंड्स आपको विड्रॉ या ट्रांसफर करने हो वो अब येस बैंक की बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो पाएगा. सबसे पहली बात ये, और ये सबसे बड़ी अहम खबर है डिपॉजिटर्स के एंगल से. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रशांत कुमार जी ने कही कि अब ये बैंक जो है वो रिटेल फोकस बैंक बनाएंगे और होलसेल डिपॉजिट्स हैं उस पे से ध्यान और फोकस हटाएंगे, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ आगे चलते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से हमको देखने मिलेगी. इसके अलावा प्रशांत जी ने हमको ये भी कहा कि ओवरऑल बेसिस पे जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होना है, नए सीईओ का गठन होना है, सारे जो अप्रूवल्स होने हैं आरबीआई से वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है और 7 दिन के अंदर अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर का स्टेटस हट जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात बताई प्रशांत कुमार जी ने, जो अभी के फिलहाल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं येस बैंक के. इसके अलावा जो दूसरी मैं अहम बात कर रहा था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया. उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जरूर देखा है कि येस बैंक के शेयर में जो हमको 10 रुपए पर आवंटन किया गया है उससे कहीं ऊपर शेयर का भाव ट्रेड कर रहा है. शैलेंद्र जी, जैसे आपने बताया करीब करीब 58 रुपए का प्राइस आ गया, तो वो एक भी शेयर नहीं बेचने वाले हैं और 3 साल के लिए बैंक के साथ बने रहेंगे. परिस्थितियां जैसी भी हों, अच्छी हों या बुरी हों, येस बैंक का सपोर्ट जो लगेगा वो SBI प्रोवाइड करेगा. तो ये 2-3 जो अहम पहलू थे शैलेंद्र जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उभर के आ रहे हैं इस वक्त. चलिए, ये एक ऐसी गुत्थी थी जो आपको सुलझती हुई दिख रही है ऐसे मायूस समय में, और येस बैंक का जो ओवरहैंग था कम से कम वो फाइनेंशियल मार्केट से उभरता हुआ आपको दिख रहा है. पालविया साहब, लगभग 21 रुपये ऊपर 58.65 रुपये पर येस बैंक बंद हुआ है 58% की तेजी के बाद. बताइए चार्ट्स पर आपको येस बैंक कैसा लगता है? देखिए, यस बैंक के चलते हमने देखा कि पहले एक मार्केट में काफी बड़ा सेल ऑफ देखा था, लेकिन ये इस बैंक में जिस तरीके का रिवर्सल आया है और जिस तरीके से स्टॉक ने एक बड़ा अपमूव दिखाया लास्ट 2 सेशन में, अब ये स्टॉक में जो मुझे लगता है कि जो इसके पुराने स्विंग हाई थे नवंबर 2019 के आसपास के, वो 72-73 के आसपास थे. मुझे लगता है कि वहां तक भी ये हो सकता है ये मूव यहाँ से कंटिन्यू रहे, बट काफी डिफिकल्ट होगा इसको ट्रेड करना. बट हायर साइड पे मुझे लग रहा है 72-73 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं. करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा वो 54 रुपए का होगा. अगर ये 54 रुपए के ऊपर बना रहा तो 72-73 तक के भी टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं. ये राय हुई पूरे बैंकिंग सेक्टर